बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 वो 5, बी की वैल्यू -1 वो 1, सी की वैल्यू 2 वो -6। हमने ये फाइंड करना है 2CB -2CA। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें CB फाइंड करना है। तो CB के लिए हम सबसे पहले CB को फाइंड करते हैं। लेट ओ बी द ओरिजिन, देन सी बी इक्वल होगा, ये हम पहले भी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि ये इक्वल होगा बी है तो ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। ये जो दरअसल हमें बी की वैल्यू दी गई है, दरअसल ये ओ बी की वैल्यू है, इसे हम यहाँ पर राइट करते हैं -1 वो 1 माइनस ओ सी की वैल्यू हम लिखते हैं 2 ओ -6 -1 -2 1 माइनस इंटू -6 -1 -2 ये हमारे पास हो जाएगा -3 -3 हम लिखेंगे 1 -- +6 -3 -7 सी बी इज इक्वल टू -3 वो 7। इसके बाद हम फाइंड करते हैं सी ए, सी ए इक्वल होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मीन ओ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी। ओ ए की वैल्यू लिखते हैं 2 ओ 5 माइनस ओ सी की वैल्यू लिखते हैं 2 ओ -6 2 माइनस 2 5 माइनस -6 2 माइनस 2 0 5 -- +6 0 11 इज इक्वल टू सी ए। तो हमारे पास सी बी की वैल्यू भी आ गई है और सी ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हम 2CB -2CA फाइंड आउट करते हैं। 2CB -2CA CB की वैल्यू हम देखते हैं, हमारे पास CB की वैल्यू -3 वो 7 -3 वो 7 -2 CA की वैल्यू हमारे पास 0 वो 11 11 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -6 14 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 और इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं -6 -0 14 -22 -6 -0 -6 हो जाएगा 14 -22 ये आ जाएगा हमारे पास -8 2CB -2CA 2CB -2CA ये हमारे पास इस क्वेश्चन के जो हमने फाइंड आउट करनी थी ये उसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 जूज हैं, एक मैंने कर दिया और इसके बाकी 2 जूज वो इसी तरह से होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है, इसमें उन्होंने वैक्टर दिए हैं यू इज इक्वल टू आई प्लस 2J माइनस के, वी इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5I माइनस J प्लस 3K। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है U प्लस 2V प्लस W इज इक्वल टू फाइंड करनी है। उन्होंने एक वेक्टर दिया है, U की वैल्यू दी गई है हमारे पास, V की वैल्यू दी गई है और W की वैल्यू दी गई है। हमने जो फाइंड करना है U प्लस 2V प्लस W हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर U की वैल्यू लिखते हैं। U की वैल्यू हमारे पास
आई प्लस टू जे माइनस के प्लस टू वी की वैल्यू लिखेंगे, थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे, फाइव आई माइनस जे प्लस थ्री के आई प्लस टू जे माइनस के। टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स आई प्लस माइनस माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर जे प्लस टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर के प्लस ये वन है मल्टीप्लाई का सेम टू सेम वैसे आ जाएंगी फाइव आई माइनस जे प्लस थ्री के। इसमें हम इसमें जो हमारे पास आई वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिखते हैं, आई प्लस सिक्स आई प्लस फाइव आई, इसके बाद जे वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, टू जे माइनस फोर जे माइनस जे, इसके बाद के वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, माइनस के प्लस फोर के प्लस थ्री के। आई प्लस सिक्स आई प्लस फाइव, फाइव और वन सिक्स और सिक्स ट्वेल्व आई, टू जे माइनस फोर जे माइनस वन जे, माइनस फोर जे और माइनस वन जे माइनस फाइव जे हो जाएगा प्लस टू जे, तो बाकी बचेगा माइनस थ्री जे। माइनस के प्लस फोर के प्लस थ्री के, फोर में से वन गया थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा प्लस सिक्स के। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी यू प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास वो चीज़ आ गई है। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर टू के तीन जूज़ हैं, इसके एक जूज़ कर दिए, बाकी के दो जूज़ इसी तरह से होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।